जिंदगी को देने सेकंड चांस, युवा परिवर्तन आया है। अजोला जिसे हम सभी अक्सर पानी वाली जगहों में, खेतों, तालाबों, खदानों में जमा पानी में देखते हैं, ये एक प्रकार की वनस्पति है। साधारणतः हम इसे देखते हैं और भूल जाते हैं, शायद इसीलिए हम इसके गुणों से अच्छी तरह से परिचित नहीं होते हैं। यह एक प्रकार की वनस्पति होने के साथ साथ जानवरों के लिए बहुत ही अच्छा खाद्य पदार्थ है। जलीय फर्न एवं सुंदर बारीक पत्तियों वाला पौधा है। यह अधिकतर धान के खेत अथवा उथले पानी उगाया जाता है। अजोला की पंखुड़ियों में एनाबिना नामक शैवाल सहज जैविक रूप से मौजूद होता है। इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, अमीनो एसिड, विटामिन ए, विटामिन B12 और कैरोटीन पाया जाता है। अजोला तालाबों, पानी के गड्ढों और नम गर्म उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे लगभग 25 से 50% प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसकी एक खासियत है कि अनुकूल वातावरण में केवल 15 दिन में ये दोगुना हो जाता है। यह धान की खेती में नाइट्रोजन बनाने वाला एक जैव उर्वरक है। अजोला के उपयोग से धान की खेत में प्रति हेक्टेयर 1 से 2 टन की बढ़ोतरी होती है। इसमें 25 से 35% प्रोटीन, 10 से 15% खनिज और 7 से 10% तक एमिनो एसिड पाया जाता है। अजोला का 2 तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे सूखे और ताजे दोनों तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। यह पशुओं के लिए एक अच्छा खाद्य पदार्थ है। इसे गाय, भैंस, बकरियों, भेड़, मुर्गियों, खरगोश, सुअरों और मछली आदि को खिलाया जा सकता है। इसे खाने से दुधारू पशु जैसे गाय और भैंस की दूध का उत्पादन 15 से 20% तक बढ़ जाता है, साथ ही उनकी सेहत भी अच्छी बनी रहती है। इसे खाने के बाद दूध की गुणवत्ता भी पहले से कहीं अधिक बेहतर रहती है। गीले अजोले को गायों के चारों के साथ मिक्स कर उन्हें खिलाया जाता है। इसके साथ 20 से 25% रोज के चारे में बचत भी होती है। अजोला सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करता है। यह हरे खाद की तरह नाइट्रोजन की स्थिरीकरण धान की खेती में करता है। अजोला मुर्गी पालन करने वाले व्यवसायों के लिए बेहद लाभकारी है। मुर्गियों को हर दिन अपने चारों में अजोला मिलाकर खिलाया जाए तो उनका वजन जल्दी बढ़ता है और अंडे देने की क्षमता भी बनी रहती है। अजोला का निर्माण 2 प्रकार के बेड से किया जाता है, रेडीमेड बेड और जमीन पर 1 से 1.5 फीट गड्ढा खोदकर भी किया जा सकता है। अजोला बनाने के लिए तालाबों या बेड में भी इसे छोटी मात्रा में अजोला कल्चर बनाया जा सकता है। इसे बनाने के लिए छायादार स्थान पर 2 मीटर लंबाई और चौड़ाई और 30 सेंटीमीटर गहराई वाला एक छोटा सा तालाब बनाया जाता है। इसके बाद पानी के रिसाव को रोकने के लिए उसे टिकाऊ प्लास्टिक शीट से कवर कर दिया जाता है। कोशिश ये करनी चाहिए कि अजोला में इसमें पराबैंगनी किरणें नहीं पहुंच सके। इसके बाद गड्ढे में या रेडीमेड बेड में 1 इंच तक छनी मिट्टी डालें। दस लीटर पानी में 2 किलो गोबर और 30 ग्राम सुपर फॉस्फेट से बना घोल शीट पर फैला दिया जाता है। अजोला की क्यारी में इसे अच्छे से हिलाने के बाद करीब 1.5 से 1 किलो अजोला कल्चर को उस पर समान तरीके से फैला दिया जाता है। इसके बाद अजोला के पौधों को सीधा करने के लिए इसके ऊपर ताजे पानी का छिड़काव करना चाहिए। अजोला साधारण 15 दिन में तैयार होता है। अब हर दिन 1 से 1.5 किलो अजोला बांस की टोकरी से बाहर निकाला जा सकता है। इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए 15 दिन बाद आवश्यकता के अनुसार बेड में पानी और सुपर फॉस्फेट गाय का गोबर इसमें मिलाना चाहिए। साफ पानी से धोने के बाद प्रतिदिन करीब 1.5 किलोग्राम अजोला पशुओं को खिलाया जा सकता है। इसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान बनाए रखना चाहिए। इसे छायादार वातावरण चाहिए। इसे हर दिन हटाया जाना चाहिए। गौरतलब है कि यह सस्ता होने के साथ पशुओं के लिए अच्छा सुपाच्य पौष्टिक आहार है। आवश्यक देखभाल के लिए अजोला के लिए घर के निकट के तालाब का चयन करना बेहतर होता है। वहाँ पर आंशिक सूर्य प्रकाश का रहना बेहतर पैदावार सुनिश्चित करेगा, अन्यथा छांव प्रदान करनी होगी। इसे न केवल जल का वाष्पीकरण कम होगा बल्कि अजोला की उपज भी बढ़ेगी। युवा परिवर्तन आया है।